हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपके सामने जो फाइल खुली हुई है, इस फाइल में मैंने इस फाइल को बगैर पासवर्ड से सेव किया हुआ है ताकि कोई भी इस फाइल को ओपन तो कर सके लेकिन इसमें ओपन करके देख सके। बट अगर कोई लिखना चाहेगा, कोई भी फाइल ओपन तो कर लेगा लेकिन अगर इसमें लिखना चाहेगा तो देखिए यहाँ पर दे रहा है रीड ओनली। ठीक है, कहीं भी मैं क्लिक करूँगा तो वो रीड ओनली दे रहा है, लेकिन इतने पोर्शन में जितना मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये इतने पोर्शन मैंने यूज़र को एक यूज़र अलाउ यूज़र पासवर्ड दे रखा है। तो जिसको मैं पासवर्ड बताऊंगा, खोल तो सभी लेंगे लेकिन इतनी दूर में वही चेंज कर पाएगा जिसको पासवर्ड मैंने बता रखा है इतनी दूर के। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्लिक करते ये पासवर्ड मांगेगा। अब मैंने जिसको पासवर्ड बताया वही पासवर्ड ये लिख कर इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकता है। तो इस तरीके से कोई भी फाइल आप कैसे बनाएंगे कि उसको कोई भी खोल के देख तो सके, हर आदमी देख सके, लेकिन इसमें चेंजिंग जितने एरिए में आप सेट करना चाहते हो उतने एरिए में आपकी पासवर्ड सेटिंग कर दें और उस यूज़र को बता दें पासवर्ड की ये पासवर्ड है, और वो उतनी दूर में जाकर क्लिक करें और जैसे ही एंटर करेगा वो पासवर्ड मांगेगा। जैसा कि मैं लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड। जैसे लिखा मैंने, ये पासवर्ड के लिए ऑप्शन आ गया, मैंने इसका 2 पासवर्ड दे रखा है। एंटर करता हूँ, एंटर करते ही यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड 4-5 दिया हुआ। मैंने इसका पासवर्ड 2-5 दिया हुआ था, मैं गलती से 2 लिख रहा था। तो मैंने इसको टाइप किया कीबोर्ड से बटन, ये पासवर्ड देने का ऑप्शन आ गया, मैंने 2-5 दे दिया और एंटर किया। तो अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चेंजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल आप कैसे क्रिएट करेंगे एक्सेल में, इसके लिए आपको करना ये है कि कोई भी फाइल आपको जो बनाना है वो आप बना लीजिए और उसको बगैर पासवर्ड के आप सेव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर, तो इसके लिए आप सबसे पहले फाइल को बगैर पासवर्ड के सेव कर लें और फिर एक्सेल के रिव्यू के ऑप्शन में यहाँ पर मिलेगा आपको अलाउ यूज़र। इससे ये अलाउ यूज़र फॉर एडिट रेंजेस, इसमें आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये बॉक्स खुल के आएगा। इस बॉक्स में आप न्यू पर जाइए और एक यूज़र नेम, जो यूज़र को आपको बताना है ये वर्क देना है, उसका नाम लिख दीजिए आप। मैं आमिर लिखता हूँ। और यहाँ पर ये रेंज सेलेक्ट, यहाँ पे आप रेफर टू सेल, किन सेलों को आप बताना चाहते हैं इसमें क्लिक कीजिए इस जगह पर और वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए जो सेल आपको उसको बताना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर इसी में वापस जाइए और यहाँ पर आप पासवर्ड जो भी आप देना चाहते हैं, मैं फिर से 2-5 ही दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ। तो 2-5 देकर दोबारा री एंटर पासवर्ड करिए और ओके कर दीजिए और उसके बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब इसका पासवर्ड फिर से आपको देना है शीट का प्रोटेक्शन, ताकि इन जगहों पर कोई भी क्लिक करके लिख ना सके, इसके लिए शीट प्रोटेक्शन पासवर्ड देना है। वो भी आपका रिव्यू के प्रोटेक्ट शीट में मिलेगा। ये सारे जब ये क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा, इस बॉक्स में सारे बॉक्सेस को चेक कर दीजिए और यहाँ कोई एक पासवर्ड दे दीजिए। मैं 1 पासवर्ड दे रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। री एंटर 1 मांगेगा, 1 मैं री एंटर लिख रहा हूँ और ओके करके इसको सेव कर दे रहा हूँ। अब इसको क्रॉस से मैं बंद कर दे रहा हूँ और बंद करके, इस फाइल को बंद करके डू यू वॉन्ट टू सेव चेंजेस यस कर रहा हूँ। और दोबारा से इस फाइल को अगर मैं ओपन करूँगा तो इस फाइल में मैं बाहर पे अब देखिए मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये रीड ओनली दे रहा है। ठीक है, फाइल तो ईजली ओपन हो जा रही है, मैंने ओपन किया, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, लेकिन कहीं भी लिखने की परमिशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ भी लिखने की परमिशन नहीं दे रहा है। ठीक है, इन फार्मूलेज में भी लिखने की परमिशन नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ पे मैंने दिया था यूज़र के लिए अलाउ किया था वहाँ पर क्लिक करते ही मैं बटन, कोई भी बटन कीबोर्ड से दबा रहा हूँ तो यहाँ पर ये एक पासवर्ड नाम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें अब इस रेंज में वो बंदा चेंजिंग कर सकता है जिसको मैंने पासवर्ड बता रखा है। मैंने 2-5 दिया, मैंने 2-5 लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ 99 कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, देखिए सारे फार्मूले वर्क कर रहे हैं और अच्छे से वर्क कर रहे हैं और ये सब कुछ वर्क कर रहा है। तो इस तरह की कोई भी इस तरह की फ़ाइल को कोई भी ओपन करके देख सकता है, बट इसमें यूज़ इसमें चेंजिंग वही कर सकता है जिसको आपने पासवर्ड बताया हुआ है और उतने ही एरिया में चेंजिंग कर सकता है जितने एरिया के लिए आपने पासवर्ड सेट किया है। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।